हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन ए शॉर्ट टाइम, जहां आप इंग्लिश कम वक्त में आसानी से सीख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एल्स के बारे में और इसको कंपेयर एंड से करेंगे। देखें, एल्स की हिंदी भी और होती है और एंड की हिंदी भी और होती है। एंड हम ऑलरेडी जानते हैं, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी वर्ड्स, क्लॉजेज या सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे राम एंड मोहन, राम और मोहन एक्सेट्रा। लेकिन कभी कभी हिंदी में हम और का इस्तेमाल तब करते हैं जब मुझे कुछ एक्स्ट्रा कहना हो, कुछ अतिरिक्त कहना हो। जैसे अगर हम ऐसा बोलें कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अब आप हमसे ये पूछते हैं कि आप और क्या पढ़ाते हैं, तो इस और का मतलब क्या हुआ कि आप इंग्लिश की अतिरिक्त, इंग्लिश के अलावा और क्या पढ़ाते हैं। तो इसी के अतिरिक्त या के अलावा को जब हम और से हिंदी में बोलते हैं तब उसकी इंग्लिश एल्स होती है। इसको आज हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी वे में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप आखिर तक पूरा ध्यान से देखते रहें। तो आज के टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर दें, ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखें, एल्स एक एडवर्ब है, इसकी हिंदी भी और होती है। इसकी एक और इंग्लिश क्या हो सकती है, इन एडिशन, या और इंग्लिश क्या हो सकती है, बिसाइड्स, की अतिरिक्त, के अलावा। जबकि एंड एक कंजंक्शन है और इसकी हिंदी होती है। और ये क्या है, इट कनेक्ट्स वर्ड्स, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस, अभी मैंने बता दिया। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले देखें, व्हाट एल्स, और क्या, व्हाट मींस क्या, एल्स मींस और, यानी और क्या। अब ये देखें एग्जांपल, व्हाट एल्स डू यू वांट, हिंदी क्या हो जाएगी, आप और क्या चाहते हैं या आपको और क्या चाहिए। अब अगर हम इस एग्जांपल को, इस सेंटेंस को स्कैन करें, सिर्फ इतना बोलें, डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं, तो व्हाट एल्स डू यू वांट, आप और क्या चाहते हैं। अगर इसको हम ऐसा बोलें, व्हाट एल्स विल यू बाई, आप और क्या खरीदेंगे, या अगर ऐसा बोलें, व्हाट एल्स शुड आई रीड, मुझे और क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट एल्स शुड आई स्पीक ऑन दिस टॉपिक, मुझे इस विषय पर और क्या बोलना चाहिए। तो इस तरीके से व्हाट एल्स की हिंदी क्या होगी, और क्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, हु एल्स और कौन, हु मीन्स कौन, एल्स मीन्स और, मतलब Who else और कौन। एग्जाम्पल देखें, Who else will go there, वहाँ और कौन जाएगा, या अगर ऐसा बोलें, Who else is going there, वहाँ और कौन जा रहा है, Who else is coming here, यहाँ और कौन आ रहा है। इस तरीके से हम Who else का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, Something else, कुछ और, Something means कुछ, else means और। एग्जाम्पल देखें, I will buy, मैं खरीदूंगा, Something else, कुछ और। नेक्स्ट एग्जाम्पल, He wants to ask something else, वो कुछ और पूछना चाहता है। इस तरह का सेंटेंस एग्जांपल देते हैं, समवन एल्स या समबडी एल्स। अब इस दोनों में से हिंदी क्या हो सकती है, कोई और या किसी और में। आप समवन एल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं या समबडी एल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब ये देखें, समबडी एल्स विल डू दिस वर्क, हिंदी क्या होगी, ये काम कोई और करेगा। और कभी कभी हिंदी किसी और में भी होता है, इसकी हिंदी भी दोनों में से कोई एक हो सकती है, समवन एल्स या समबडी एल्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, समबडी एल्स हैज डन सो, हिंदी क्या हो जाएगी, किसी और ने ऐसा किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखें, नो वन एल्स, ये नेगेटिव सेंस है, या नोबडी एल्स, कोई और नहीं, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। एक एग्जांपल देखते हैं, नो वन एल्स विल कम हियर, यहां और कोई नहीं आएगा, या नोबडी एल्स विल गो देयर, वहां कोई नहीं जाएगा, या हम ऐसा ही नोबडी एल्स विल हेल्प यू, तुम्हारी सहायता कोई और नहीं करेगा। इस तरह का हम सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एनीबडी एल्स, हिंदी क्या होगी, कोई और। एग्जांपल देखें, विल एनीबडी एल्स स्पीक ऑन दिस टॉपिक, क्या इस विषय पर कोई और बोलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, हैज एनीबडी एल्स गोन देयर, क्या कोई और वहां गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नोवेयर एल्स, हिंदी क्या होगी, कहीं और नहीं। अब देखें, आई वेंट नोवेयर एल्स टुडे, आज मैं कहीं और नहीं गया। अब ध्यान दें, आई वेंट मैं गया, नो वेयर कहीं नहीं, एल्स और टुडे आज। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे लाइक टू गो नो वेयर एल्स, वे लोग कहीं और जाना पसंद नहीं करते हैं। अगर इसको स्कैन करें तो दे लाइक, वे लोग पसंद करते हैं, टू गो जाना, नो वेयर एल्स और कहीं नहीं या कहीं और नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, सम वेयर एल्स कहीं और। एग्जांपल देखें, दे मे हैव गॉन सम वेयर एल्स यस्टरडे, हिंदी क्या हो जाएगी, वे लोग कल कहीं और गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज नॉट हियर, वह यहाँ नहीं है, ही मे हैव गॉन समवेयर एल्स, वह कहीं
और क्या होगा? नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ एल्स, और कैसे? देखें, हाउ एल्स विल यू डू दिस वर्क, आप ये काम और कैसे करेंगे? एक एग्जाम्पल और देखते हैं, हाउ एल्स कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या का समाधान और कैसे कर सकता हूँ? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एनीथिंग एल्स मीन्स कुछ और, एग्जाम्पल देखें, डू यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग एल्स, क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल, विल यू बाई एनीथिंग एल्स, क्या कुछ आप और खरीदेंगे? इस तरीके से एनीथिंग एल्स के हम और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। अगर हम ऐसा बोलें, वुड यू लाइक टू स्पीक एनीथिंग एल्स ऑन दिस टॉपिक, क्या आप इस टॉपिक पे, इस विषय पर कुछ और बोलना चाहेंगे? इस तरीके से एनीथिंग एल्स को हम डिफरेंट सेंटेंसेस में बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं। एग्जाम्पल देखें, आई वॉन्ट टू आस्क नथिंग एल्स, मैं कुछ और पूछना नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वॉन्ट टू स्पीक नथिंग एल्स ऑन दिस टॉपिक, वे लोग इस विषय पर कुछ और बोलना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, when else means और कब, देखिए when means कब, else means और। नेक्स्ट, when else will you buy this mobile, आप ये मोबाइल और कब खरीदेंगे? If you don't buy it now, अगर आप इससे अभी नहीं खरीदते हैं तो, कहने का मतलब क्या होगा? अगर आप अभी इस मोबाइल को नहीं खरीदते हैं तो इस मोबाइल को आप और कब खरीदेंगे? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट देखें, where else means और कहाँ, where means कहाँ, else means और। एग्जाम्पल देखें, where else will you go, आप और कहाँ जाएंगे? देखें, where else do you learn English, आप अंग्रेजी और कहाँ सीखते हैं? अगर हम ऐसा बोलें, where else will you go now, आप अभी और कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, everything else, हिंदी क्या हो जाएगी, और सब कुछ या बाकी सब, कहने का मतलब क्या है, बाकी सभी चीज़ें। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, everything else is fine here, हिंदी क्या हो जाएगी, यहाँ सभी चीज़ें, यहाँ बाकी सब, यहाँ और सब कुछ या सभी चीज़ें यहाँ पर ठीक हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, everything else is in the hand of Allah, हिंदी क्या हो जाएगी, बाकी सब या और सब कुछ अल्लाह के हाथ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देखें apostrophe s का ग्रामर में इस्तेमाल करते हैं, ये apostrophe s है, जैसे मोहन, मोहन का, तो इस s जो apostrophe s है, इसकी हिंदी का देखी होती है। अब देखें, जैसे मोहन ब्रदर, मोहन का भाई, मोहन फ्रेंड, मोहन का दोस्त, मोहन बुक, मोहन की किताब, इस तरीके से ये apostrophe s जब हम एल से लगा देंगे तो हिंदी क्या हो जाएगी, और का, इसको क्या पढ़ेंगे, एल्सेस मीन्स और का। तो जिस तरह से मोहन ब्रदर, मोहन का भाई, इस तरीके से एल्सेस मोबाइल, और का मोबाइल। अब देखें, समबडी एल्सेस मोबाइल, हिंदी क्या हो जाएगी, किसी और का मोबाइल। अभी तो सेंटेंस में देखते हैं, दैट इज समबडी एल्सेस मोबाइल, वो किसी और का मोबाइल है, इट इजंट माइन, ये मेरा नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, दिस इज नॉट माई बुक, ये मेरी किताब नहीं है, दिस इज समबडी एल्सेस बुक, ये किसी और की किताब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, कभी कभी एल्स की हिंदी नहीं टोबी होती है और इसकी एक और इंग्लिश अदरवाइज होती है। एग्जाम्पल देखें, बी पंक्चुअल, हिंदी क्या हो जाएगी, समय का पाबंद बनो, और एल्स यू विल फेल, नहीं तो, यहाँ पे और एल्स हिंदी क्या हो जाएगी, नहीं तो, और एल्स यू विल फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, सफल हो जाओगे, नाकाम हो जाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हरी अप, जल्दी करो, और एल्स यू विल बी लेट, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे, देर हो जाएगी तुम्हें। मीन्स क्या होगा, हरी अप, जल्दी करो, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। मुझे लगता है एल्स के यूज़ को आपने बिल्कुल समझ लिया होगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर लाइफ एंड लाइफ फ्यूचर।